फ्यूलिंग हो गई, रोहित भाई वेट कर रहा था, चलिए अब निकलते हैं। भाई लोग सारे बाद में कर पाएंगे यार। हाँ भाई छाप लो, चलो थैंक यू यार। हमारे साथ भी एक ब्लॉगर है, चलो फिर वो आगे चला गया है, चलो फिर मिलते हैं। वो स्प्लेंडर तो बना रहा है। अच्छा है, चलो ठीक है, ओके। भाई लोग बड़े खुश हुए, इनके साथ एक इतना पार्टनर है जो स्प्लेंडर में कोई ब्लॉग शूट करता कह रहा है। अच्छा लगता है कोई ऐसे रुक के और बातचीत करे, नाम पूछे चैनल का, यही तो प्यार है आप सब लोगों का जो हमें थोड़ा थोड़ा करके मिल रहा है। इतनी खुशी होती है जब कोई अपना समझ के मिलता है, बातचीत करता है, इससे ज़्यादा और क्या दिया हमें आप लोग का प्यार। अब हम पहुँच चुके हैं आपके मछली जिला के गुरुद्वारा, वो देखिए आप सामने देख सकते हैं, ये गुरुद्वारा है अपना। हाँ सर, बाइक जो है कार्ड है, यहाँ आपके यहाँ से भी बाइक मिलेगी जो लीड कर रहे हैं इस बाइक को आज के। यहाँ से आप देख सकते हैं सारे राइडर साथ ही देख सकते हैं। एंथनी वाइपो तो जितने में मशहूर वो रखे हैं यहाँ पे। सत श्री अकाल भाजी, सर राम राम, कैसे क्या बात है, बड़े आर्मी हो रहे हैं आप तो। यहाँ एक सरप्राइज और मिल गया भाई साहब, भाई जी का बर्थडे है जो सुबह सुबह इधर ही सेलिब्रेट हो रहा है। ये हमारे एंथनी भाई, भाई गले से आवाज नहीं निकल रही, कल रात को बर्थडे करके क्या बोलो। और उसके पार्टी है बहुत ज्यादा, सुबह इस भाई का बर्थडे आज सेलिब्रेट करने वाले। Happy birthday to you. Happy birthday dear Alex. Happy birthday to you. Thank you Anthony bhai for this. Bhai Rohit kahan gaya? Rohit, are yaar aage aao yaar. Hamara ka. Are bhai aise nahi hai. जो हमारे बाहर से डेलीगेट आ रखे हैं उनको हम पग लगा रहे हैं। पाजी सलाम जो आप तो एक करें छोटो कुत्ता जाए। दिस इज फॉर द सेफ्टी पर्पस। देख सकते हैं एक हमारे पास एक अनोखी स्कूटी आ रखी है,
जो लद्दाख ट्रिप लगा के आई है शायद, ये देखिए एंटोर। ये भाई साहब है क्या? भाई साहब सुबह सुबह लद्दाख की ट्रिप लगा के आ रहे हो क्या? निकलना है एक्चुअली। ये देखो कब? अभी 10 बजे निकलना है। कितने बजे? 10 बजे। 10 बजे लद्दाख की मनाली के। अच्छा भाई, मनाली निकल रहे हैं, देख सकते हैं आप सुबह सुबह पूरे सेटअप के साथ है। फ्यूल व्यूल सब हो गया सेटअप? अच्छा आप अकेले ही हो क्या? राइट, कितने जने? अच्छा दो जने। ये देखिए भाई ने मस्त बना रखी है, मनाली निकल रहे भाई। सबसे बड़े गोविंदा भाई, कारगिल राइडर की कसम, गोविंदा भाई आए हमारे कारगिल राइड की कसम। गुरुद्वारे के एक राउंड ऐसे ऐसे। अच्छा का सबसे छोटा राइडर है, अभी से छोटा राइडर हम लोग को मिला। सही बात है। ये देखिए गोविंदा भाई जी आए। हेलो सर, बढ़िया 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 भाई, आपका गुड नेम भाई, आपका गुड नेम। दिल्ली कारगिल, दिल्ली जैसलमेर। क्या 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 क्या? दिल्ली बॉम्बे। अच्छा दिल्ली कारगिल। ओके दिल्ली जैसलमेर। अच्छा भाई साहब ने इतना लंबा दिल्ली बॉम्बे किया, दिल्ली कारगिल। अभी 25 तारीख को आया हूँ जैसलमेर करके पूरा। अरे पाकिस्तान बॉर्डर तक अकेले आप? मैं पूरे ग्रुप में हूँ ना, ईगल स्पेशल एवर राइडर। यार मुझे नहीं लेके गए तुम, अच्छी बात नहीं है। क्या बात है भाई, ये है जज्बा प्यार। सही बात है, अलग ही है। गोविंदा हम भी गोविंदा भाई। दिल्ली बॉम्बे और कहाँ पे भाई? दिल्ली से बॉम्बे, दिल्ली से कारगिल, और अभी जैसलमेर करके आए। पूरा जैसलमेर करके आए पाकिस्तान बॉर्डर तक। कितने बंदों की टीम थी? हमारी 10 बंदों की टीम थी, ईगल स्पेशल स्कूटी के साथ। स्कूटी, सारी स्कूटी है हमारे पास। जज्बा स्कूटी चलाते भाई, स्कूटी के साथ भाई साहब इतना लंबा टूर करके आए भाई। कोई स्कूटी से नहीं करता, सिर्फ हम डिसेबल लोग ही एक स्कूटी से राइडिंग करते हैं। एक हमारा ईगल स्पेशल नाम से ग्रुप है जो स्कूटी से राइडिंग करता है, पूरे विश्व में कोई नहीं करता स्कूटी से राइडिंग। सोचने वाली ये हमारे आमिर भाई है, या एक और पार्टनर, सॉरी। और ये मेरी कंपनी का नाम है ईगल स्पेशल एवर राइडर, ये लिखा हुआ है ईगल स्पेशल एवर राइडर। एवर ग्रुप है हम अपने आप में एवर है। बढ़िया बढ़िया, हाँ सब सही है सब। ये देख सकते हैं सुबह सुबह का सनसेट, क्या जबरदस्त निकल रहा है। भारत माता की जय, भारत माता की जय। टीम सारी रेडी हो चुकी है, अब कुछ ही क्षणों में हम लोग यहाँ से फ्लैग ऑफ करेंगे, निकलेंगे। तो कि आप लोगों ने अपना वैल्यूबल टाइम दिया हमें, और ये अब यहाँ से राइड स्टार्ट हो रही है। राइड लेते हुए मोती बाग निकलेंगे सारे के सारे। सारे सेटअप पे आए थे, राइडर रेडी।
छोटा सा इश्यू हुआ है क्योंकि दिल्ली पुलिस के कर्मचारी अभी होल्ड करा रहे हैं। देखो क्या जैसे कि आप देख सकते हैं शायद डिस्टर्ब चल रहा है वहाँ पे राइट के लिए या किस चीज़ के लिए पता नहीं, तो अभी पता चलेगा क्या बात है। कारण कुछ नहीं, इसमें कारण हम बताने लग रहे ना, कारण बताने लग रहा है ना सर। आप कहीं अगर चले मान भी लीजिए एक बंदा क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी, एक बंदा रिस्पॉन्सिबिलिटी हो सकता है भाई साहब, अपने घर की जिम्मेदारी नहीं ले सकता कोई, इतने बड़े ग्रुप की तो जब लेगा, अपने बेटे की जिम्मेदारी नहीं ले सकता भाई साहब। भाई साहब सर मैं ले रहा हूँ, मेरी जिम्मेदारी मैं भाई साहब, दो मिनट की बात है, इसमें अड़चन पैदा, अड़चन कोई नहीं पता कर रहे, अड़चन तो आप इसमें हमारे अड़चन तो आप डाल रहे हैं क्योंकि हम तक नॉर्मल राइड पे जा रहे हैं। अगर नॉर्मल हम एक मिनट रुको, एक मिनट रुको, हम यहाँ पर हमने यहाँ पे अंदर मत्था टेका है जी, अब यहाँ से हम पंजाबी बाग इकट्ठे हो गए, मतलब गुरुद्वारे मत्था टेकने जा रहे हैं, ये हमारी दोस्तों की राइड है। थोड़ा बहुत कुछ नॉर्मल से हटके हुआ होगा, जब भी हम आए हमें आने की जरूरत नहीं, राइड रोज निकलती है, हम किसी को रोकते नहीं टोकते नहीं, कुछ ना कुछ ऐसा हुआ होगा जो हमें अगर अगर दिखा दिया दिखा दिया हमारे को हम तो पूछ रहे हैं सर, तो पता तो दिया, मैं जिम्मेदारी ले रहा हूँ, आपने बताना पड़ा कि जाने नहीं देंगे अब तक तो लिख देता हूं, काम करता हूं, मेरे पास सबकी अटेंडेंस है, सबकी वैसे चलो ऐसा कर लो आईडी दे दो, आप आईडी दे दो, आपके कब के लंदन की फोटोकॉपी आईडी दो, मेरे पास आईडी दो, नाम बताओ, नाम बताओ, मैं आपको पढ़ने बता सकता हूं क्या मतलब ये बैनर किसने लगाया, तो गुरुद्वारा वाला लगा रहे हैं सर, हमारे क्या हम क्या तो बार बार गुरुद्वारा वाले लगा रहे हैं, आप कहां जा रहे हैं, हम गुरुद्वारा हम जा रहे हैं, हम गुरुद्वारा मत्था टेकने जा रहे हैं, गुरुद्वारे के बीच में खड़े होते हैं सर, फोटो खिंचवाने तो क्या यार बात गलत हो गया क्या सर, नाम बताने में जोर पड़ रहा है सर, हम नहीं जा रहे हैं, चार पांच जगह तो हम नहीं जा रहे हैं, हम अलग जा रहे हैं, ये राइड की बच गई है बैड। और अभी हम पहुंच चुके हैं रोहित भाई के घर में, और हम यहाँ पे ब्रेकफास्ट हो रहा है हम लोगों का चाय भाई, और जिस राइड में आज हम गए थे बहुत खतरनाक थी वो, ऐसी राइड इन्होंने भी कभी नहीं की, ना मैंने की, पर हमारे साथ जितने भी राइडर थे उन्होंने किसी ने नहीं की। मुझे आशंका थी कि इस तरीके का कुछ हो सकता है, लेकिन आज जो गड़बड़ी हुआ सारा सुबह सुबह, एक तो मैं चाय पिया मैंने और दरवाजे पे मेरा कप फूट गया, तो मैं समझ गया मेरा आज दिन खराब है या कुछ है, तो मुझे थोड़ा सा डाउट हुआ, तो आज जो राइड नाम नहीं लूँगा जिन्होंने रखा था, तो आज की राइड ऐसी कर दी कि जिस बेस में होना चाहिए उस बेस से हट के वो राइड था, तो वहाँ पे पुलिस आ गई तो कार्रवाई चालू हो गई थी, किस वजह से बैनर लगाया ये वो तुम लोगों ने, और हमने तो भाई वहाँ से निकलना ही बेहतर समझा, बेहतर समझा, हमने राइड को कैंसिल कर दिया उसी टाइम पे, और राइड हमने कैंसिल, और जितने भी राइडर्स थे सारे निकल चुके अपने अपने घर की तरफ, क्योंकि उस राइड में जो पुलिस वालों का जो था कि उनका रोल कि जितने भी हम राइडर्स थे सबकी वीडियो बनाई उन्होंने पुलिस वालों ने, और प्लस साथ में जो है आईडी प्रूफ, और हमारा कोई मेन मोटिव इस टाइप का नहीं था, हमारा मेन मोटिव था श्रद्धांजलि को लेके, सपोज दैट लोग बाग के घर उजड़े
तो हम उनको श्रद्धांजलि देना चाह रहे थे, हमें ये नहीं पता था कि वहाँ जाने के बाद कुछ इस टाइप हमारी श्रद्धांजलि बन जाएगी वहाँ जाके। तो मतलब हम लोग राइडर्स है, जो भी आपको पता, हम सब एक राइडर ग्रुप के राइडर लोग हैं जो कि संडे को एंजॉय करते हैं अपना राइड करके। वह जो आज का राइड सबसे बेकार और क्या बोले, वाहिद से भी वाहिद था। और प्लीज़ इसको गलत उसमें ना ले कोई भी, हम लोगों ने तो अच्छा सोच के गए थे, मगर इस राइड की बच गई आज। ओके, कहने का मतलब ये है कि धर्म के साथ साथ चलते रहो, इंसानियत को जिंदा रखो, लेकिन ये है कि जहाँ पे नारेबाजी हो जाए, जहाँ पे आपको रैली टाइप के राइडों में घुसना पड़े, पहली बात तो रैली वाला राइड है, हम राइडरों का मतलब ही नहीं होता, आपको वो राइड करनी नहीं है जिसमें आपको रैली टाइप का लगे। और राइड करो तो आपका पूरी परमिशन होनी चाहिए आपकी, दिल्ली पुलिस से लेके एवरीथिंग, सारी चीजों की, ट्रैफिक पुलिस तक की, जब आप पूरी तरीके से राइड करना। क्योंकि हमारे साथ भी हमारे इतने सीनियर राइडर है, वो ऐसी राइड्स कभी नहीं लेते जो किसी चीज के खिलाफ हो या कुछ चीज, क्योंकि हम तो राइडर हैं, हमें तो बस एक दूसरे को संडे को मिलना है, एंजॉय करना है। मगर जो आज की राइड सबसे बेकार थी, जितने भी हमारे राइडर्स भाई लोग हैं, जितने भी ग्रुप के मेंबर्स हैं, उन लोगों को भी बताएगी राइड्स किस टाइप की राइड लेनी चाहिए, जो भी है। चलो टेक केयर, फिर मिलते हैं, शब्बा खैर, बाय बाय, टेक केयर।